तो वेलकम टू आवर न्यू वीडियो गाइस। तो आज हम फिर से आ चुके हैं एक नया वीडियो लेके, जिसमें हम एक नया मेरिन टैंक सेटअप करने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ा तो नहीं है बट लगभग 3 से 2.5 फीट का है, जिसमें मछलियाँ आराम से रह पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टैंक को हम आज सेटअप करने वाले हैं पूरी। तो इस टैंक का प्लम्बिंग कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो प्लम्बिंग पहले कम्प्लीट करना है हमें। और ये आ रहा है हमारा इस टैंक का सम्प, जो कि इस टैंक के हिसाब से सफिशियंट है। तो इसको पहले सेट करना है अच्छी तरीके से, एकदम इक्वली। तो अभी शुरू हो गया हमारा पंप, और ये लग रहा है आउटलेट का पाइप, जो कि पानी यहाँ से बाहर निकलेगा और सम्प में जाएगा। इसके बाद हमारा पंप का जो इनलेट पाइप है, जिसके अंदर से पाइप टैंक में, मेन टैंक में अंदर घुसेगा, उसका पाइप लग रहा है। तो आफ्टर द प्लम्बिंग बाड़िए शाम को थोड़ा बहुत सेटअप करने के लिए। और यहाँ पर शाम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन, जो कि जिसका नाम है प्रोटीन स्कीमर, इसको सेट किया जा रहा है यहाँ पर। और ये जो मशीन है, ये सेट करना उतना भी टफ कुछ नहीं है। एक बार अगर आप सीख लेते हो कहीं से, तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इसका जो काम होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है एक मेरिन टैंक के लिए। और यहाँ पर एक स्क्रू लगवा जा रही है, जो कि पहले आप देखा, इसको गम से यानी सिलिकॉन गन से पूरा फिक्स्ड कर दिया जा रहा है, ताकि पानी लीकेज ना हो। और फाइनली पानी या सैंड या रॉक कुछ भी हो अंदर डालने से पहले, टेबल को थोड़ा इक्वल मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सैंड और रॉक डालने के बाद इसको हटाया नहीं जा सकता, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है। ओके, सो सैंड डालने के बाद और उसको पूरी तरीके से बेड में इक्वली मैनेज स्प्रेड करने के बाद, अब बारी है इसके अंदर लाइव रॉक ऐड करने का। और यहाँ पर बहुत सारे लाइव रॉक्स है, जो कि पूरा क्योर्ड है एंड लाइव है, इसके अंदर लाइव बैक्टीरिया मौजूद है अभी, और सैंड में भी लाइव बैक्टीरिया अभी मौजूद है। ये ड्राई सैंड नहीं है, ये पूरा क्योर्ड एंड रेडी किया हुआ सैंड और लाइव रॉक है, जो कि सीस्केप्स के द्वारा सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप मार्केट में कहीं पर भी ऐसे लाइव रॉक और लाइव सैंड ढूंढेंगे, मिल भी जाएंगे, बट वो क्योर नहीं होंगे, रेडी नहीं होंगे। और यहाँ पर पूरी तरीके से गैप बनाए रखा हुआ है, ताकि मछलियाँ और वाटर फ्लो एकदम इक्वली हो। और ये लाइव सैंड का और लाइव रॉक का जो सेटअप है, जो सजावट है, उतना भी ईजी नहीं है, बहुत टफ होता है और बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत होता है। और यहाँ पर शाम में थोड़ा बहुत फिल्टर पैड ऐड किया जा रहा है। ओके, सो आफ्टर 1 hour and 30 minutes यहाँ पर लगभग पूरी पानी भर चुका है और थोड़ा सा बाकी है। अभी भी सिस्टम चालू नहीं हुआ है, यहाँ पर सिर्फ लाइट जला हुआ है। तो आप देख सकते हो पानी की एकदम क्लियर नहीं है। तो वाटर सर्कुलेशन स्टार्ट हो चुका है अभी, और वाटर शाम के इस तरफ से उस तरफ अभी मूव हो रहा है। नाउ यहाँ पर नमक जो है वो ऐड किया जा रहा है जरूरत के हिसाब से। उसके बाद नमक को पूरा घोल लिया जा रहा है पंप के मदद से, जो कि बहुत बढ़िया टेक्निक होता है। और पूरा घोलने के बाद अभी थोड़ा हाथ से भी थोड़ा घोल लिया जा रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत नीचे पड़ा हुआ रहता है, तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है सॉल्ट को। नाउ पूरा सिस्टम चालू हो चुका है, और नीचे का जो नमक वाला जो पानी है वो ऊपर आ चुका है। अभी पूरा वाटर सर्कुलेट होगा धीरे धीरे, देख सकते हो आप। आफ्टर 40 से 50 मिनट बाद तो पानी पहले से बहुत क्लियर हो चुका है, अभी और भी क्लियर होगा धीरे धीरे, टाइम लगेगा। प्रोटीन्स के बारे भी काम करना चालू कर दिया है, अभी फोमिंग भी हो रहा है अच्छे से। और लास्ट फाइनल टच पूरा सेटअप रेडी होने के बाद
ग्लास को थोड़ा बहुत क्लीन करना और सब कुछ एक बार फाइनल से चेक करना और आपका सेटअप रेडी। ओके, सो सब कुछ हो जाने के बाद यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ को चेक करना बहुत ज़रूरी है कि टैग में जो नमक हमने दिया है उसका डेंसिटी यानी नमक दिया है वो सही है कि नहीं, मतलब और लगेगा या ज़्यादा पड़ गया, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। और प्रोटीन स्कीमर का फंक्शन भी चेक करना बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, उसको ट्यूनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि टैंक जितना बड़ा होगा या जितना पानी होगा उसके हिसाब से प्रोटीन स्कीमर को ट्यूनिंग करना ज़रूरी होता है, तो ये एक्सपर्ट का काम है। तो यहाँ पर ये पाइप जो प्रोटीन स्कीमर का वो अभी बाहर नहीं निकाला गया क्योंकि अभी नया नमक पड़ा है पानी में, तो प्रोटीन स्कीमर लगातार फोमिंग करेगा और बहुत पानी बाहर निकल देगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।